अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की कलेजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो गाय की कलेजी, एक टमाटर लें, दो दरमियाने साइज़ की प्याज, तीन से चार अदद मिर्चें, इन सब को ब्लेंड कर लें। एक खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक खाने की चम्मच कलेजी मसाला, आधे खाने की चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, आधे खाने की चम्मच हल्दी, आधे खाने की चम्मच धनिया पाउडर, आधे खाने की चम्मच गरम मसाला, आधे खाने की चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, तीन से चार अदद मिर्चें लें, उसे बारीक चॉप कर लें, धनिया पत्ती लें उसे बारीक चॉप कर लें। अब आप एक पैन लें, उसमें ऑयल गरम करें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इसमें कलेजी डाल दें, अच्छे से भून लें इन सबको। ये अच्छे से भुना गए, इसमें आप अब मसाला डाल दें, मिक्स कर लें। अब इसमें टमाटर, प्याज और मिर्चों का पेस्ट डाल दें, मिक्स कर लें। हसबे ज़रूरत नमक डालें। मिक्स कर लें। अब इसमें हाफ गिलास पानी डालकर इसे कवर कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर छोड़ दें गलने के लिए। 15 मिनट हो गए और कलेजी भी हमारी अच्छे से गल गई है। ये देखें, मज़ेदार कलेजी मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसे आप डिश आउट कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।